नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बेदिशा जिले के कुरबाई नगर में विकसित हो रही अवैध तरीके से प्लाटिंग और कॉलोनियों के सिलसिले में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने संज्ञान लेते हुए निर्माण स्थल का मुआयना किया। एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी कुरबाई एस्टेट और रॉयल सिटी के साथ कॉलोनी के बाजू में बने हीरा कंस्ट्रक्शन के डामर प्लांट का भी मुआयना किया और मौके पर पंचनामा बनाकर कार्रवाई के साथ ही राजस्व विभाग के जुड़े अधिकारियों से कुरबाई तहसील में जहां भी अवैध कॉलोनी व प्लॉटिंग हो रही हैं उनकी विस्तृत रिपोर्ट उनके समक्ष रखने के आदेश दिए। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा ने कुरबाई बीना रोड पर पेट्रोल पंप के पास अवैध तरीके से विकसित की जा रही कॉलोनी का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर ही संबंधित राजस्व विभाग के कर्मचारियों से रिकॉर्ड देखा और विस्तृत जानकारी मांगी। कुरबाई स्टेट कॉलोनी के कॉलोनाइजर किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध ना हो सके, लेकिन भूस्वामी नसीम खान पुत्र रशीद खान एवं बेबा नजमा बी के पुत्र मौके पर मौजूद हुए और रॉयल सिटी कॉलोनाइजर मौके पर उपस्थित नहीं हुए। रॉयल सिटी कॉलोनी में रह रहे रहवासियों को 3 दिवस में रजिस्ट्री व जमीन के कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए और मौके पर ही रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करने पर रोक लगाने के साथ बचे हुए प्लाटों को अधिग्रहण कर उन पर नोटिस बोर्ड चस्पा करने के निर्देश राजस्व निरीक्षक अमित गुप्ता और पटवारी राकेश सिंह दागी मौके पर निर्देश दिए गए। और रॉयल सिटी कॉलोनी में बने मकानों में रह रहे वासियों ने बाजू में बने हीरा कंस्ट्रक्शन के ड्रामर प्लांट से धुआं से परेशान होने की शिकायत एसडीएम गोपाल वर्मा से की तो कॉलोनियों की कार्रवाई की तत्काल बाद एसडीएम ने डामर प्लांट पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और मशीनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। पॉल्यूशन डाइवर्जन से संबंधित कागज पेश करने तक को प्लांट को बंद करने की बात अनुविभागीय अधिकारी ने डामर प्लांट के अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। एयरशिप के कोई कागज प्राप्त? अभी उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन मौके पे हमारी जांच में ये प्रमाणित पाया गया है कि वहाँ कॉलोनियाँ काटने की कार्रवाइयाँ की जा रही है। सर, और भी कॉलोनी है उन पर भी कार्रवाई होगी? जैसा मैंने शुरू में बताया कि अभी बीना रोड पर कार्रवाई की जा रही है, धीरे धीरे सभी अवैध कॉलोनियाँ जितनी भी हैं शहर में सब पर कार्रवाइयाँ की जाएगी। एक तरफ से सबसे कार्रवाई है। सर, बाजू में डामर प्लांट संचालित हो रहा है, प्रदूषण जो फैल रहा है उससे नुकसान है लोगों को? हाँ, वह जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया था कि एक डामर प्लांट पास में लगा हुआ है, वहाँ के जो अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोग थे उन्होंने भी एक शिकायत मुझे उसी समय की, इसके कारण उनका प्रदूषण से जीना हराम हो रहा है, समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने वहाँ जा करके देखा तो वास्तव में प्लांट चालू था। अभी उसके दस्तावेज मंगाए गए हैं कि किस प्रकार से उन्हें वहाँ परमिशन मिली है, जो रहवासी क्षेत्र है उसके पास प्लांट चलाने की, और फिलहाल में उन्हें प्लांट बंद रखने की ताकीद दी जा रही है। द्वारा अवैध कॉलोनियों पर जो कार्रवाई की गई है वह कार्रवाई किस अंजाम तक पहुँचेगी? ये जो कुरवाई नगर के अंदर आसपास अचानक रूप से मैंने देखा कि प्लाट के रूप में कृषि भूमि को बेचने का कुछ कारोबार शुरू हुआ है, तो उसी सिलसिले में आज बीना रोड पर जो कार्रवाइयाँ इस तरह की हो रही थी उन्हें रोकथाम के लिए दस्तावेज उनके चेक किए गए हैं। उसमें भूमि स्वामी तो मिले हैं, उन्होंने बताया है कि कोई कॉलोनाइजर इनका उपयोग कर रहे हैं, एक कॉलोनी में ऐसा बताया गया है। उनको थोड़ा समय दिया है, मंगलवार तक वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे, और यदि उनके दस्तावेज सही नहीं पाए गए, कॉलोनी काटने के लिए वैध नहीं पाए गए, तो अवैध कॉलोनी मानी जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कराई जाएगी। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।